सो हे गाइस एंड वेलकम बैक अगेन तुम सभी का एक और वीडियो में। अब यार तुम लोग भी देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर फुकरा इंसान को बहुत ज्यादा हेट मिल रही है, और वो इसलिए क्योंकि एलविश यादव की फैन फॉलोइंग उससे कई ज्यादा है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। और ये भी पक्का यार कि अगर इन सब चीजों के बारे में एलविश यादव को पता रहता तो वो ये सब चीजें होने ही नहीं देता। मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूं उसकी ना, मां चुप चुप चुप। अबे साले यार, तो अब अगर फुकरा इंसान को हेट मिलने के पीछे रियल रीजन देखा जाए तो वो ये है यार कि फुकरा इंसान ने उसमें वो बात नहीं बोली जो कि ऑडियंस सुनना चाहती थी, बल्कि उसने वो बात कही जो कि उसे गेम को खेलते और देखते हुए सही लगी, और इसीलिए एलविश यादव के फैंस को वो कुछ ज्यादा ही पसंद नहीं आई। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। आंटी को बोला कि मैं वाइल्ड कार्ड को मिलने नहीं मानता, उसे सीधा हटा दिया मुझे। लगा बुरा लगा, अभी भी लगा, बट मैं थोड़ा पूछी दोस्ती यारी बस लायक है क्या। अब देखा अगर एलविश यादव की बात करें तो वो सबको इसलिए पसंद आया क्योंकि उसने अपने वो कैरेक्टर शो में दिखाया, वो बातें शो में बोली जो कैरेक्टर की वो हमेशा से अपनी वीडियो में दिखाता आया है, और जो बातें की ऑडियंस उससे सुनना चाहती थी। मेरी तरफ से, और मुझे पता है तेरी तरफ से भी भाईचारा कभी खत्म नहीं होने वाला, बेशक तू जीते मैं जीतूं, ये समझ लियो ट्रॉफी अपनी कम्युनिटी। मतलब कि एलविश यादव अपने भाईचारे वाले माइंडसेट के साथ बिग बॉस में गया, जहाँ पर कि उसका सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव था कि क्योंकि मेरी फुकरा इंसान के साथ अच्छी बनती है, उसके साथ मेरा भाईचारा है, उसके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, तो इसलिए वो सही है, वो डिजर्विंग है, फिर चाहे गेम किसी ने कैसा भी खेला हो। अगर मुझे डिसाइड करना है तो मैं बिल्कुल इनको ट्रॉफी दूंगा, अगर मेरे हाथ में है। भाईचारा कभी खत्म नहीं होने वाला, बेशक तू जीते मैं जीतूं। लेकिन अगर फुकरा इंसान की बात करें तो उसने फेयर गेम खेलने की कोशिश करी, जहाँ पर कि हमें उसके दो पर्सपेक्टिव देखने को मिले, एक उसका गेम वाला माइंडसेट और दूसरा उसका भाईचारा। I'll want Elvis to win the finale. और when it comes to journey, I feel मनीषा की जर्नी भी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, तो एनी वन ऑफ देम। उसने हमेशा यही बात बोले कि गेम के हिसाब से मुझे मनीषा डिजर्विंग लगती है, लेकिन अगर भाईचारे की बात करें तो मैं हमेशा एलविश यादव को जीतता हुआ देखना चाहता हूँ। और बस यही चीज ऑडियंस को पसंद नहीं आ रही है कि तू सिर्फ एलविश यादव का नाम क्यों नहीं ले रहा है, जैसे कि एलविश यादव सिर्फ तेरा नाम लेता है। ये क्या बात करता है यार। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहूंगा यार कि अगर फुकरा इंसान और एलविश यादव की जगह में कोई दो और कंटेस्टेंट होते जिनकी की बिग बॉस की जर्नी भी एलविश और फुकरा के जैसे ही सेम होती, बस उनके पास एलविश और फुकरा इंसान जैसा अपना एक अलग सा फैन बेस ना होता, तो 80% चांसेस यार कि जो बंदा फुकरा इंसान की जगह में होता वही जीतता। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल, क्योंकि उसने बिग बॉस शो के गेम को एक गेम की तरह से खेला। लेकिन अब फुकरा इंसान जैसा गेम खेलने के लिए ये बात भी जरूरी है यार कि एक एलविश यादव जैसा साथी होना भी जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स, आप इस शो में सिस्टम पार देंगे। खैर इसी के साथ एलविश यादव का नाम खराब करने वाले कुछ फैन पेजेस को मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर शो में एलविश यादव और फुकरा इंसान का एक दूसरे के विनर बनने को लेकर पर्सपेक्टिव मैच नहीं खा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा भी वो पॉइंट ऑफ व्यू मैच ना होने से एक दूसरे के सिर्फ ओपिनियन बन सकते हैं, दुश्मन नहीं। और ओपिनियन का मतलब होता है कि तुम्हें सामने वाले को अपनी काबिलियत के दम पर आना है, ना कि उसकी टांग खिंचाई करके। लेकिन नहीं, अगर मुझे डिसाइड करना है तो मैं बिल्कुल इनको ट्रॉफी दूंगा। Wake up to reality. आपके और एलविश में से एक चॉइस आई, किसी एक को जीतना है और आपको डिसाइड करना है, तो फिर मैं रख लूंगा। हाँ बस इसी टांग खिंचाई की बात कर रहा था मैं, जहाँ पर कि ये दोनों की बातों को कंपेयर करके फुकरा इंसान को नेगेटिव दिखा रहे हैं और उसके लिए टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं, और वो भी उस फुकरा इंसान के लिए जो कि एलविश यादव का ही दोस्त है, बस सिर्फ एक गेम की वजह से वो एक दूसरे के ओपिनियन बने हुए है, तो फिर मैं रख लूंगा। अब ये क्लिप्स का अगर सिंपली तुम्हें दिखाने की कोशिश की जा रही है यार कि फुकरा इंसान एलविश यादव की रिस्पेक्ट नहीं करता है, जितनी वैल्यू एलविश यादव फुकरा इंसान को देता है उतनी फुकरा इंसान एलविश यादव को वापसी में नहीं देता है। लेकिन यार सो कॉल्ड क्लाउड चेजर फैन पेजेस एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में जो रियलिटी है, जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो जेन्युइन चीजें हैं, उन सब चीजों को हाइड कर देते हैं। कैसे खत्म हो गया, इतने कूल नहीं निकले क्यों, लेकिन ये बंदा मेरे जब से आया मेरे को, मैं इजी नहीं रहा हूं यहां पर, तो मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। ये सब चीजें टॉक्सिक फैन पेजेस कभी नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर कि रियल भाईचारा दिखता है, एक दूसरे के लिए दोनों की म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखती है। कंजरी माँ दे बचियो, दगड़ दल्ली माँ दे बचियो, कुछ अच्छा काम करो, अच्छे वीडियो बनाओ। खैर साहब सिंपल सी बात ये है यार कि तुम बिग बॉस को किस तरीके से देखते हो, तुम्हारे उसी नजरिए के ऊपर वहाँ के कंटेस्टेंट का अच्छा और बुरा होना डिपेंड करता है। ठीक है, अगर तुम इस वाले बिग बॉस के एक गेम के नजरिए से जज करते हो तो मैक्सिमम चांसेस है कि तुम्हें फुकरा इंसान ज्यादा डिजर्विंग लग रहा होगा। अगर तुम सिर्फ किसी क्रिएटर का फैन बन के बिग बॉस देखते हो तो मैक्सिमम चांसेस है कि तुम्हें एलविश यादव डिजर्विंग लगेगा। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे।
खैर अगर इससे ज्यादा फैल रही टॉक्सिसिटी के बारे में बोलो तो कहीं कुछ लोग ये ना बोल दे कि साले फुकरा इंसान की दलाली कर रहा है ना। तो इसलिए इस वीडियो को फिलहाल हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। और अब अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब कर सकते हो तो यार वो भी जरूर से कर देना। थैंक्स। बाकी अपन लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।